प्रार्थना है किसी भटके हुए इंसान की, एक प्रार्थना है, अर्ज है, जिसे मैं गाकर ही शब्दों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ये फिल्म देखी होगी उन लोगों ने इस भजन को, इस गाने को भी बहुत पसंद किया होगा। तो आइए थोड़ी देर भगवान के दरबार में सिर्फ एक प्रार्थी बनकर सच्चाई का सामना करते हुए इन शब्दों को अपने अंदर तक जाने देते हैं। मेरे राम Thank you.
शर्मा जी हैं और जो दूसरा कीबोर्ड मेरे पीछे की तरफ है हमारा ही अपना भाई कार्तिक लक्की जिसे आप यहाँ के लोग जरूर जानते हैं और मेरे साथ जो गायन में बैठे हैं अमन जी हैं मेरे साथ पैड पे नरेश जी बैठे हैं तो और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर जिस माध्यम से आप हम सबको सुन रहे हैं ये है श्री गणेश साउंड नीरज ये मेरे कुनिहार से अपने ही भाई हैं जिनकी वजह से आप सभी इस पावन जागरण का आनंद उठा रहे हैं। तबले पर मेरा छोटा भाई हिमांशु है क्योंकि माहौल तभी बनता है जब यहाँ पर अच्छे साजिंदे हो अच्छे गाने वाले हो अच्छी साउंड हो किसी एक भी चीज़ की कमी होना तो आनंद खत्म हो जाता है लेकिन बाबा जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि कभी हमें मिट्टी में नहीं रुलने दिया है भगवान ने हमेशा हमारी लाज बचाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है आज भी हमारी लाज जरूर बचाएंगे। तो एक बार जरा जो मेरे भोलेनाथ मेरे शिव शंकर के मलंग हैं एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और शिव शंकर भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए रुटरू वाले महादेव की बोलिए शिव शंकर महाराज की जय।
जो लोग मलंग हैं, मलंगों को कोई रोकता नहीं है, कोई नाचने से भी नहीं रोकता, कोई गाने से भी नहीं रोकता, तो जो ये मानते हैं कि हम शिव शंकर भगवान के मलंग हैं, वो नाचकर जरूर हाजिरी लगाएंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। देवा दा देव कहाया चोरा नु खुद बनाया, 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 देवा दा देव कहाया चोरा नु खुद बनाया। कयो कयो आए भक्ति दा रंग वेसले, कयो आए भक्ति दा रंग वेसले, कयो चले आए भक्ति दा रंग वेसले, जितने भी भक्त बैठे हैं तालियां तो जरूर ही बजाएं, क्योंकि ये भजन सिर्फ मलंगों के लिए है। जो लोग अपने को शिव शंकर के मलंग मानते हैं सिर्फ वही तालियां बजाएंगे, बाकी चाहे रहने ही देंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की। देवा दा देव कहाया चोरा नु खुद बनाया, देवा दा देव कहाया